नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं उसका। दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है पद्मश्री से सम्मानित और बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आर्यन सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि हड्डियों की बीमारी आजकल लोगों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये बीमारी आजकल बढ़ने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, हड्डियों की बीमारी तो पहले भी से भी थी और आज भी है, लेकिन चूंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों में अवेयरनेस होते जा रहा है, लोगों के कार्यशैली में बहुत परिवर्तन आया है, इन सबों से थोड़ी बीमारी ज़्यादा हड्डी की सामने दिख रही है और उसको हम लोग चूंकि प्रिवेंशन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमें उससे तकलीफ भी हो रही है। ये बहुत ही सीरियस इशू है, क्योंकि जब अपने जीवन शैली में अगर हम कोई बदलाव नहीं लाएंगे और जिस तरह से हम पाश्चात्य ज़िंदगी की बिताने के लिए आराम के रास्ते पर चले जा रहे हैं, तो हमारा जोड़, हमारा शरीर भी उसी तरह से जकड़न में पड़ता चला जा रहा है और हम जोड़ों के दर्द से, सब परेशानियों से परेशान हैं। इसलिए इसके बारे में बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग गहन चिंता करें और इसके रोकथाम के लिए बात करें। और सर, देखा जाता है कि आजकल लोग 8 से 9 घंटे बैठ के काम करते हैं, जिस वजह से उनकी बैक में काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस आ जाता है, तो इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि भगवान ने जो हमारी शरीर की रचना की है उसमें बहुत से मांसपेशियों को दिया है और उन्होंने हर एक मांसपेशियों को समय समय पर अल्टरनेट रूप से काम लेते हैं। जैसे कि आप सोने जाती हैं तो एक करवट सोई और सुबह तक अगर आप वीडियो कैमरा लगा के सोई तो पाएंगे कि 200 बार आप करवट रात में बदली हैं बिना आपको जानते हुए, क्योंकि वो भगवान का एक तरीका है, फिजियोलॉजी हमारा, कि जैसे ही हम एक जगह बैठते हैं कुछ देर के बाद जब हमारे मांसपेशियों पर वहाँ पर जो टॉक्सिन से जमा होता है तो हमको भगवान खुद ही करवट दिलवा देते हैं, फिर दूसरे तरफ के मांसों को काम देते हैं, फिर तीसरे तरफ देते हैं, पैर को सीधा करते हैं, पैर को लंबा करते हैं। ये सारा काम हम सोए में भी करते हैं जस्ट बिकॉज कि ये प्राकृतिक प्रिंसिपल है कि हम अपने जोड़ों को चलाते रहें सोए हुए रहने पर भी। और जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हम अंगड़ाई लेते हैं। अंगड़ाई का मतलब होता है कि जो भी जोड़ वो स्थिर था रात भर उसको हम एक बार स्ट्रेच करते हैं, उसके सभी मांसपेशियों को टाइट करते हैं ताकि वो एक बार फिर नए खून से संचारित हो और उसमें फ्रेशनेस आए। लेकिन जब हम जानबूझकर 8 घंटा कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहे हैं जानते हुए कि हमारे मांसपेशियों को अब थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है और आप करते जाते हैं काम को, तो वो तो घुसाएगा ही, आपको पेट कमर में दर्द देगा। इसीलिए आजकल जो बच्चे चाहे जो भी लोग कंटिन्यूस कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहे हैं, गर्दन को छिपा के कर रहे हैं, ऑल द टाइम आँख को कंप्यूटर के स्क्रीन पर रखे हुए हैं, तो उनका जितना भी मांसपेशियाँ हैं वो सब को उस तरह का फ्रीडम नहीं मिलता है जो रात में सोने पर मिलता है। और इससे क्या होता है कि जब उठते हैं वो तो पूरे शरीर में कुछ जकड़न होता है, दर्द होने लगता है और हम डॉक्टरों के यहाँ वो दौड़ने लगते हैं। फिर हम कहते हैं कि भैया अपना कार्यशैली बदलो। सिंपल चीज़ है कि आप अगर बैठ कर के काम करने के आदि हो तो आधा घंटा, 45 मिनट या 1 घंटा रखो, 1 घंटे के बाद 10 मिनट उठ के चल लो, फिर आके बैठ के काम करो। या अगर खड़े होकर किसी काउंटर पर काम करने वाले आदमी आप हो तो 1 घंटा 2 घंटा पर कहीं 5-10 मिनट स्टूल पर बैठ जाओ। दूसरा, आपने पूरे शरीर के अंगों को चलाने की कोशिश करो। जैसे कि आप जानते हैं कि हवाई जहाज़ में भी जब लॉन्ग ट्रिप चलता है तो लोगों को कहा जाता है कि अपने पैरों को चलाते रहें, आपके खून का क्या कहते हैं जमाव नहीं हो कर रगों में। ये सारी चीज़ें हैं, चूँकि हम ये सब काम नहीं करते हैं, हम जुनून में हैं कि हम दिन भर 8 घंटा कंप्यूटर पर बैठ करके, हम 8 घंटा टीवी देख करके, हम 8 घंटा क्या कहते हैं ऐसा काम कर करके कि हम अपने आप को जिस तरह से भी आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो आप अपने शरीर को कष्ट देकर कर रहे हैं और शरीर आपसे उसका जवाब मांगेगा, ये तय है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।
तो आज हमने समझा कि किसी के लिए भी शरीर का मूवमेंट कितना ज़रूरी है, खासकर हड्डियों के लिए। तो आशा करते हैं ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।